सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रिंस स्टडी लाइन। तो आज बिहार बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पूरा ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। तो अभी पूरा वीडियो देखना 2023 का फुल ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश गए थे? सही जवाब डी अमेरिका। जाति पाति तुरंत मंडल का सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न से कौन पड़ोसियों के अवादगर छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी मदन। चौथा क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे हैं? सिक्स पार्ट की सत्य कौन विधा है? इसका सही जवाब है डी भाषण। पांचवा क्वेश्चन है, चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। छठा क्वेश्चन है, लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषण क्या थी? इसका सही जवाब है बी मराठी। सातवां क्वेश्चन है, हमारे पड़ोसी देश के नेपाल व नेपाली भाषा किस लिपि से लिखी गई है? सही जवाब बी देवनागरी लिपि। आठवां क्वेश्चन है, निम्न से कौन जैन गणितज्ञ कौन है? इसका सही जवाब है सी महावीराचार्य। नवां क्वेश्चन है, बहादुर सिंह कहानी के लेखक का क्या नाम है? इसका सही जवाब है डी अमरकांत। दसवां क्वेश्चन है, बहादुर सिंह कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता है? इसका सही जवाब है डी किशोर से। ग्यारहवा क्वेश्चन है, 11 रुपये साड़ी के खोट से निकाल कर यही चारपाई पर डैश डैश नहीं रहे, यह किसने कहा? सही जवाब है बी रिश्तेदार की पत्नी। बारहवा क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब सी 1912 में। तेरहवा क्वेश्चन है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधिक कोटि का संस्कृत असमर्थता की का सूचक होता है, यह पंक्ति किस पाठ से है? इसका सही जवाब है परंपरा का मूल्यांकन। चौदहवा क्वेश्चन है, किस वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? सही जवाब डी 27 साल की उम्र में। पंद्रहवा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। सोलहवा क्वेश्चन है, एवेन्यू शीर्ष पाठ के फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर किला बनाया था? आपकी ऑप्शन है व्यवसायियों की, जनता की, पोप की, सैनिकों की। इसका सही जवाब है सी पॉप की। सत्रहवा क्वेश्चन है, रोन नदी कहाँ है? इसका सही जवाब डी दक्षिण फ्रांस में। अठारहवा क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती है नामक उपन्यास की लेखक की रचना कौन है? इसका सही जवाब है ए विनोद कुमार शुक्ल। उन्नीसवा क्वेश्चन है, मछली शीर्ष कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? ए मसाला पीस रही है। बीसवा क्वेश्चन है, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? बी तेजी।